वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी फरमाइश पर झटपट ज़बरदस्ती समोसा पट्टी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक कप मैदा है, एग्जैक्टली मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए रखा है। ये मेजरिंग कप है एक कप का, तो ये मैंने ले लिया है। ये देखें, ये जब हिलाते हैं तो इस तरह से पूरा होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये दो हो गया। आप एक टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे, एग्जैक्टली जैसे हम आटे में नमक डाल के हिलाते हैं ना। तो ये मशीन में गूंदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं हर चीज़ मशीन में ही गूंदती हूँ, तो एग्जैक्टली हमें वैसे ही डो बनाना है, वैसे ही आटा गूंदना है मैदे को, नमक को और पानी से। तो अब मैं जैसे हाथों से करते हैं इसी तरह मैं मशीन से करूँगी। बस ये मिक्स हो गया और अब हम इसमें पानी डालना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए हमने दो कप आटा लिया था तो एक कप हमारा पानी यूज हुआ है। बस अच्छे से गूंदना है, जैसे एंड में हम आटा गूंदते हैं और हाथों पे नहीं चिपकता, एग्जैक्टली हमें इसी तरह इसमें भी गूंदना है कि हाथों पे चिपके नहीं, जबरदस्त आटा हो जाए। चले इसको फास्ट कर लेते हैं। हो गया ये, थोड़ी सी पिटाई कर देते हैं इसकी आटे की। देखिए ज़बरदस्त हमारा आटा गूंद गया। देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। और अब हम डाल देते हैं इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए, और फिर इसको कवर कर लेते हैं और मशीन हटाएंगे और 10 मिनट में मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो गई है और अब हमारा आटा भी सेट हो गया है। और चले अब हम शुरू करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया आटा। चले अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। मैं इस तरह से बेल के लंबाई में अब फिर बॉल्स को काट लूँगी। तो ये हम काटना शुरू करते हैं। पहले तो हम आधा कर लेते हैं इसको, और आधा करने के बाद हम कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे छोटे छोटे बॉल्स रेडी हो गए हैं। चले तो अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। बस पहले बॉल्स बना लेंगे फिर धड़ाधड़ हम रोटियां बनाना शुरू करेंगे। चले ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब हम एक बॉल ले लेते हैं और बाकी को कवर कर लेते हैं और बेलना शुरू करते हैं। बस चले इसको हमने पिचका दिया। आप किसी भी तरह जो अभी आपका स्टाइल है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आटे में डाल के, ड्राई आटे में डाल के थोड़ी सी रोटी बना लेंगे छोटी सी। बस इस तरह से सारी रोटियां हम बनाते जाएंगे और इसको किनारे पे रखते जाएंगे। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब हम इसको सबको थोड़ा सा लाइन में लगाते हैं ताकि हम बड़ा जल्दी जल्दी से काम करेंगे, झटपट एकदम इसको सेपरेट करेंगे सबको।
देखिए 10 हमने पूरियां बनाई थी तो तीन तीन की लाइन बनाई हमने, तो एक बेचारी अकेली रह गई, लेकिन इवेंचुअली अकेली नहीं रहेगी। चले अब हम क्या करते हैं कि झटपट थोड़ा थोड़ा इन पर घी लगा लेते हैं। किनारे पे भी लगा देंगे अच्छे से। चले सब घी से हमने पेंट कर दिया, हल्के हल्के किनारे भी मेक श्योर करेंगे कि किनारों पे भी हो। बस अब हम इसको घी का काम ख़त्म हो गया। चले अब हम इस पे आटा छिड़क देते हैं सब पे। अच्छा देखिए नीचे वाली 18-20 थोड़ी बड़ी साइज़ है, तो हम बड़ी साइज़ पे थोड़ी छोटी वाली साइज़ रखेंगे। ये देखें अब इसी तरह ये सब रखते जाएंगे। अब ये हम ऊपर डाल देंगे जिस पर हमने घी नहीं डाला था, और अब हम इसको हाथों से फैलाएंगे थोड़ा, और थोड़ा आटा यहाँ लगाते हैं। बस अब हम पलट के भी आटा छिड़क देंगे। ये देखें हमने, देखें दो रोटी बड़ी रखी थी ना, अब वो सेम हो गई है। अगर वो छोटी रखी होती तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। तो अब हम इस पर सूखा आटा लगाएंगे और जितना भी हाथ से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर हम बेलन से करेंगे। चले अब हम इसको बेलते हैं। तो हम उल्टा सीधा करते रहेंगे और फिर बेलते रहेंगे ताकि हमारी रोटियां, देखें सब टुगेदर ही है, हमें इसी तरह बेलना है कि सब साथ साथ रहे। किनारे भी हमें पतले करने हैं। बस देखें ये अच्छी खासी इक्वली हमने फैला दिए। देखें यहाँ से भी सही लग रही है, यहाँ से भी हमारी सही लग रही है, सब टुगेदर है। तो बस अब हम इसको, हमारा तवा देखें गरम है, और इस पर हम डालते हैं आटा खुश्क जो है उसको थोड़ा सा जाड़ देते हैं। चल अब इसको हम उठाते हैं और ये तवे पर डाल देते हैं। देखिए हमें रोटी को पकाना नहीं है, बस नीचे फर्म हो जाए जब तक ही करना है। ये देखें इस तरह से अब हम इसको पलट देंगे। चलें अब हम इसको निकाल लेते हैं। बस देखें इस तरह से रखते जाएंगे हम टुगेदर, और इसको फोल्ड कर देंगे, और अब हम दूसरे बेलना शुरू करते हैं। चलें अब इसको कवर करते हैं और इसको ले लेते हैं। बस इसी तरह हाथों से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर हम बेल लेंगे। आटा लगाते हैं। चलिए ये बेल गई, अब हम इसे डालते हैं। देखिए 20 सेकेंड हो गए और ऊपर ट्रांसल्यूसेंट हो गए, बबल आ गए। अब हम इसको पलटते हैं। चले इसको भी निकालते हैं हम। ये देखें इस तरह से हो गई है, तो अब हम निकाल लेते हैं इसे।
चलें इसको अब हमने सबको बराबर रख लिया। अब हम समोसे की पट्टी देखें दो तरीके से काट सकते हैं। एक तो हम ये काटेंगे जैसे कि ये आधा है, चले ये हमने आधा काट लिया। ये एक हम अलग तरह से आपको बताएंगे इससे समोसे कैसे बनते हैं। तो अब हम इसको और आधा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये एक ईजी वर्जन है समोसे बनाने का। तो हम इस ये पट्टियाँ अलग रखते हैं यहाँ, और ये जो है पट्टियाँ ये हम इसको काटते हैं समोसे के लिए। ये देखें इस तरह से काटेंगे। चले तो ये पट्टियाँ इसको रखते हैं यहाँ, और इस एक और भी काटेंगे। अच्छा ये वाली को हम पापड़ी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, फेंकेंगे नहीं, इसकी हम पापड़ी बना लेंगे। तो ये बेसिकली ये हमारी पट्टियाँ हो गई समोसे की। देखें अब हमारी खुली खुली सूख जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमने थप्पी बनाई हुई थी इसकी हम रोल की, स्प्रिंग रोल की थप्पियाँ काटेंगे, और इसको हम कवर करके रख देते हैं जब तक नीचे। देखिए ये वाले बैच को हम स्प्रिंग रोल के लिए काटेंगे। तो ये हम इस तरह से फोल्ड करते हैं इसको, और इसको इस तरह से करते हैं, और अब हम यहाँ से ये किनारा उड़ा देंगे, और इसकी भी हम पापड़ी बना के खाएंगे। और अब इसको काट लेंगे। चले अब हम इसको खोलते हैं, और ये वाले को हम इसको फोल्ड करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, और इसको फोल्ड करते हैं, और ये वाले किनारे को निकालते हैं। ये देखें हमारे, तो ये हमारी देखें रोल की बन गई। और आसपास के जो भी हमारे किनारे बचे हैं, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। इसको जब आप समोसे वगैरह फ्राई कर रहे हो ना, थोड़ा सा फ्राई करके और उसके ऊपर हल्की सी शक्कर छिड़क दें, थोड़ा नारियल का बुरादा छिड़क दें, डेसिकेटेड कोकोनट, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और अगर स्पाइसी खाना है तो थोड़ी लाल मिर्च और नमक छिड़क दें, मज़े करें। देखा कैसे झटपट ज़बरदस्त तरीके से हमारे समोसे की पट्टियाँ बन गई घर में बैठे बैठे। अगर आपको इसी वक्त बनाना हो जैसे कि मैं बनाऊंगी, तो आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर दें किसी ज़िपलॉक बैग में या किसी एयरटाइट कंटेनर में 2-3 महीने तक। अगर फ्रीज़र अच्छा है तो मज़े से चलेगा, और आप लोग का जब दिल चाहे निकालें, बनाएं, मज़े करें। मैं इस वक्त बनाने वाली हूँ, और अगर आपको मेरा समोसे का लिंक चाहिए तो मैं वो यहाँ दे रही हूँ। बड़े ज़बरदस्त से हैं, मेरे वर्जन के मज़ेदार से हैं। ज़बरदस्त, आप लोगों की भी कमी बहुत महसूस हो रही है और चाय की भी बहुत हो रही है। अब आप लोग आएँ, मैं बड़ा सा पतीला रखती हूँ चाय का, मिलके पिएंगे और समोसे खाएंगे, मज़ा आ गया। आप लोग बनाएं, जल्दी जल्दी जाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक मज़ेदार, फन और ईजी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।